विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था ने आत्महत्या रोकथाम और कार्यवाही के माध्यम से आशा थीम पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में आत्महत्या के कारणों का पता लगाकर उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक खजेला ने वर्चुअली संबोधित कर कहा कि आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से सभी लोगों को लगातार बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों में कमी लाने के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है। आत्महत्या की इस चेन को तोड़ने के लिए हमें लोगों को समस्याओं से सामना करने के लिए जागरूक करना होगा। इसके लिए समाज और देश का ये कर्तव्य है कि हम ऐसा समाज बनाए जहां आत्महत्या को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जा सके। आत्महत्या करने वाले लोग अपने परिवार को संकट में डाल देते हैं। पुलिस वाले बड़े इतना बड़ा तो नहीं, कोई क्या डिप्रेशन हो सकता है? नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। आपसे अगर भी कोई कहते कि प्रधानमंत्री जी को तनाव है, मैं उसको क्या कहूँ? मुझे कभी दुनिया के विकास में से वो डर रहा है, वही है कई बात की कर रहा है, उसको क्या कहूँ? इससे ये पता चलता है कि हर व्यक्ति जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, बड़ा व्यक्ति मिल जाए, वो नॉर्मल है। वैसे जैसे अमिताभ बच्चन को भी कोरोना हुआ, जुकाम होता है, वैसे ही हम सब के साथ हो। तो इसलिए मैं जितने भी लोग इस वर्ग में मेरी बात सुन रहे हैं, पहले तो धन्यवाद, बहुत बेशक कि आपने इतनी देर मेरी बात को सुना और इंस्टीट्यूट को धन्यवाद। ऐसे विषय पर बात करने का अवसर दिया और बावजूद इसके कि मैं इस पर कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अपनी बात आपने रख पाया।